नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2021 से लेकर अब तक भारत विरोधी कंटेंट बनाने के लिए 150 से अधिक वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) का उल्लंघन करने पर इन वेबसाइटों और चैनलों पर रोक लगाई गई थी। मानव समाज में सभी इंसानों को उनके सही और पूरे अधिकार मिले, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों को सही परवरिश और अधिकार देने के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के कई इलाकों में बाल श्रम अभी भी जारी है। इसी को खत्म करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की होती है। यह दिवस एक मौका है कि दुनिया में बाल श्रम को खत्म करने के सभी प्रयासों को बल मिले और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैले। इसमें सामाजिक न्याय की भी अपनी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लगातार लोगों में डर पैदा करने और शांति भंग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी संगठन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI अब महिलाओं, लड़कियों और किशोरों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादी समूहों के हथियार, ड्रग्स और संदेश को ले जाने के लिए महिलाओं और किशोरों का इस्तेमाल कर रही है। कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण सरन सिंह की कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को अब ऐसा लग रहा है कि उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि स्वदेशियों को आश्चर्य है कि अगर भारत में मोदी सरकार नहीं होती तो उन्हें कोविड टीका कहां से मिलता। जयशंकर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारत की विदेश नीति उद्देश्य और विशेषताएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। मंत्री जयशंकर ने कोविड-19 के दौरान किए गए वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन के तहत करीब 100 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। G20 सम्मेलन के तहत वाराणसी में सोमवार को आयोजित विकास मंत्रियों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। दुनिया के विकास में भारत हर संभव मदद को तैयार है। भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार है। दुनिया को बचाने के लिए पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम नदियों पेड़ों का सम्मान करते हैं। कनाडा में भारतीय छात्रों का निर्वासन किया जा रहा है। इस बीच कनाडा में विपक्ष की सरकार के नेता पियरे पोइलिवरे इन छात्रों के समर्थन में आए हैं और इसके लिए वह वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया है। निर्वासन को रोकने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने वहां की वर्तमान सरकार से आग्रह किया और कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और जो ईमानदार छात्रों को रहने और काम करने और कनाडा में योगदान देने का मौका दिया जाए। केंद्र सरकार ने कुछ प्रशासनिक फेरबदल की है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार सुबह इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक किया। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय रविवार सुबह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और 15 जून को गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के कराची के बीच लैंडफॉल करने की संभावना है। IMD ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को चक्रवात के तेज होने के कारण मुंबई से एयर इंडिया की कई उड़ानें या तो देरी से चल रही है या फिर रद्द कर दी गई है। भारतीय इकोनॉमी ने 2023 में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने 3.75 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को छू लिया है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऑफिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। साल 2014 के बाद देश की GDP लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है।
साल 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार की भागदौड़ करने लगे हैं। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 79,943 पदों पर निकली भर्ती में शामिल होने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर समेत अन्य जिलों के बेरोजगारों ने पटना हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है। बैंकों को कर्ज लेने वालों को मुआवजा देना पड़ सकता है और अगर वे कर्ज लेने वालों की संपत्ति के मूल दस्तावेज खो देते हैं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आरबीआई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करता है तो यह जल्द ही एक संभावना बन सकती है, जिसे उसने पिछले साल मई में बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित किया था। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो के नेतृत्व वाले पैनल ने इस साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और यह सुझाव इसमें की गई सिफारिशों का एक हिस्सा है। अगर आपने अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ली है तो अब उसे बेनामी संपत्ति माना ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बड़ी बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। हाईकोर्ट का कहना है कि पत्नी के नाम खरीदी जाने वाली संपत्ति को हमेशा बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं रखा जा सकता। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिसने 9 जून को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCEM के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। हालांकि इस बैठक में केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को किसानों की मांग को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए देखा गया है, लेकिन अब टिकैत ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां आंदोलन नहीं करना चाहती, खुद तो ये बर्बाद होंगी ही, हम लोगों को भी इनके लोग बर्बाद कर देंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का विवाद बढ़ता जा रहा है। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उन पर FIR भी दर्ज है। खिलाड़ी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि यदि 15 जून तक कोई फैसला नहीं होता है तो वे फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीच एक कोच और 2 रेफरी का एशियन चैंपियनशिप से हटा दिया गया है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने ब्रिजभूषण के खिलाफ बयान दिए थे। नसीरुद्दीन शाह अक्सर ही अपने विवाद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद अब ये दिग्गज एक्टर सफाई देते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी भाषा अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती, इस पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। हालात तो ये हो गया है कि अब नसीरुद्दीन शाह को अपने बयान के लिए माफी भी मांगनी पड़ी है। पंजाब के लोकप्रिय गायक रहे सिद्धू मूसेवाला का कल जन्मदिन था। गांव मूसा में उनके समर्थकों ने कैंडल मार्च भी निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मेरे बेटे के हत्यारे लॉरेंस को बचा रही है। भगवंत मान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए अभी तक केवल कमेटियां बनाई हैं। जांच के लिए गठित कमेटी अभी तक कुछ नहीं कर सकी। बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल बनने पर एक बार फिर गहन लग गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह मुद्दा सामने लाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी सामने की है जो 26 मई 2023 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम है। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की ओर से जारी चिट्ठी में 5 बिंदुओं में कारण बताते हुए स्पष्ट लिखा गया है कि दरभंगा के एकमीर शोभन बाईपास पर जो जमीन राज्य सरकार ने दी है वहां एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है और राज्य सरकार जमीन सुझाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 18 जून करने और नामांकन वापस लेने की तारीख अंतिम दिन 26 जून से बढ़ाकर 21 तारीख करने का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद 8 जुलाई की जगह 14 जुलाई को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि फिलहाल इस मसले पर चर्चा चल रही है और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही इसकी जानकारी हो पाएगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोलू यादव, अर्जुन राम, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन सुप्रिया, मोहम्मद शाकुर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कि बाल श्रम को रोकने के लिए क्या आपने अपनी तरफ से कोई पहल की है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।